अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। आज एक न्यू और ज़बरदस्त वीडियो के साथ काफ़ी अर्से बाद वीडियो चढ़ा रहा हूँ आपके सामने। है जंगल का माहौल और इधर ना हमने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे चकोरी अंडे दे रही थी, ठीक है। अब हुआ ये कि बेचारी एक बैठी तो उसको भी बिल्ली ले गई, अब दूसरी बैठी तो रात उसने अटैक किया जंगली बिल्ली ने, तो डॉग्स की वजह से बचत हो गई। मैं आपको ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा उसका ना जो नेस्ट है। तो अब यहाँ से हमने अंडे उठाने और मुर्गी के नीचे रखने हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे गीदड़ और बिल्लियाँ वगैरह हमें कुछ नहीं रखने देगी। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इतने ज़्यादा अंडे हैं और तकरीबन ये 8 दिन से बैठी हुई थी। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको नेट शो कराता हूँ। जी व्यूअर्स, जी आपके सामने माशाल्लाह से इतने ज़्यादा अंडे दिए हुए थे, इस पर हमने एक चकोरी कुर्बान कर दी। पहले भी एक बिल्ली ले गई थी या गीदड़ कुछ भी था, तो रात भी इधर एक और चकोरी बैठ गई थी आपके सामने, वहाँ तक अंडे गए हुए। तो इतने ज़्यादा अंडे माशाल्लाह से, मगर ये जो है ना बिल्ली हमें बैठने नहीं दे रही हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दूं, और इसको हम मुर्गी के नीचे रखते हैं। मुर्गी है हमारे पास एक कुड़क, दुआ करते हैं इतने ज़्यादा अंडों पे वो बैठ जाए। हम थोड़ा सा ना जो उसका चोगला बनाएंगे वो थोड़ा सा गहरा होगा, ताकि पूरे अंडे इसके ऊपर आ जाएँ। तो ये आपके सामने, तो मैं यहाँ से अंडे दिखाता हूँ, उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वैसे ये 30 अंडे हैं जो हमारे पास बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं। 6-7 दिन से इन पर बैठी हुई थी चकोरी, बच्चे बनने का प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और ये 10 अंडे हैं जो ख़राब थे, शायद इतनी अरसे से दे रही होती हैं तो ये बैठती रहती है साथ साथ। तो ये वैसे गर्मी भी है तो इस वजह से। तो आइए हम इनको ना मुर्गी के नीचे शिफ्ट करते हैं। मुर्गी भी काफ़ी दिनों से कूड़ा क्या पता नहीं बैठती नहीं बैठती। चलें जो भी है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये यहाँ नेस्ट था, और बताता चलूँ ये हमने इस तरह का ना इस पर फिर माहौल बना दिया था, ऐसे दरख्त और छोटी मोटी ना जड़ी बूटियाँ काट के डाल दी थी, ठीक है। मगर फिर भी बिल्ली ने हमें नहीं बख्शा। तो पहले का आपके साथ भी शेयर कर दो। ये देखिए सारा इन्वायरमेंट, सुबह का माहौल ज़बरदस्त फार्म पे, और अभी मुर्गियां भी नहीं खोली तो पहले ये सारे काम में करने पड़ गए। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चले जी मुर्गी की तरफ। जी व्यूअर, ये खुड्डा और ये मुर्गी है, ठीक है। ये कुड़क तो लग रही है, तो इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि बैठ जाए यहाँ पे। तो मैं ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह अंडे रखता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे अंडे रखे ना, इसने आना स्टार्ट कर दिया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बैठ जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा। जी व्यूअर्स, ये 30 अंडे चकोरियों के यहाँ पर रख दिए, और मुर्गी आपके सामने बड़े शौक से आ रही है, ठीक है। हालाँकि कोई 40-50 दिन से ये कुड़क पड़ी है, 2 बार खाली उठी चुकी है गर्मी की वजह से, मगर अब ये देखें आपके सामने कैसे ये अंडे सेट कर रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद, अच्छा रिज़ल्ट मतलब कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, हमसे तो जाए ही थे अंडे। और कोई मुर्गी कुड़क नहीं है गर्मी की वजह से, हमने बैठने ही नहीं दिया, हमें क्या पता था कैसा हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इनको गर्मा देगी, जैसे इसके हालात लग रहे हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, 30 में से बस 15-20 तो ज़ाए, कुछ ना कुछ होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। चले अल्लाह बेहतरी करेगा। ये थी आज की वीडियो, सारी टोटी चकोरियों पे हमने बनाई थी, तो बिल्कुल ये इनका एंड का क्लच है, ठीक है। इसके बाद ये अंडे भी नहीं देती हैं, तो ये बे सेट करेगी इंशाल्लाह, तो अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद है। जी बस ये थोड़ी देर बाद की वीडियो आपके सामने, ऑलमोस्ट 30 अंडे इसने छुपा लिए हुए, आगे के 4-5 अंडे वैसे पड़े हुए। ये भी जब उनको सर्कुलेट करेगी तो आगे पीछे हो जाएंगे। वैसे टेम्परेचर भी फ़िलहाल ठीक है, इतनी ज़्यादा वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले 6 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 8 दिन हो चुके हैं जब बच्चा बनने का प्रोसेस अब नॉर्मली स्टार्ट हो चुका था पहले ही। तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो बीचों बीच इधर पानी में रख देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, बाकी जैसे जैसे रिज़ल्ट होगा वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो टोटली इन पे चकोरियों पे, इधर उधर सारे पिजन्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।